हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष पाल और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी वेव में। आज हम देखेंगे चाल और वेग से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। तो उससे पहले हम चाल और वेग के कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी और आपको टर्म समझ में आएंगे कि कौन सा टर्म क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है और किस लिए किया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। तो देखिए, किसी निश्चित समय में चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आप एक मिनट में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस पर्टिकुलर समय में आपने कितनी लंबाई तय की है, ये फिजिक्स की भाषा में दूरी कहलाता है। और जो दूरी का जो मात्रक होगा वो होता है मीटर होता है, और जो दूरी होती है अदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए विस्थापन। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ से लेके ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम जो दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। अब ये पॉइंट ए से लेके बी तक की ये दूरी है, मान लो अगर ये 5 किलोमीटर की दूरी रही होगी, अगर 5 किलोमीटर की दूरी रहेगी तो हम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ पर ए और ये पॉइंट बी है, इसके बीच में यहाँ से मैंने इसे मिला दिया और ये हो गया है मात्र 2.5 किलोमीटर। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के मध्य में, ये कहलाता है विस्थापन। और विस्थापन जो होगा वो एक सदिश राशि होगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, एक सदिश राशि होगी। ठीक है, उसके बाद चाल को समझ लेते हैं कि चाल क्या चीज़ होती है। देखिए चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एक निश्चित समय में अगर आप किसी दूरी को तय करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, आपकी चाल। चाल स्पीड आपने ये पढ़ा होगा, एस इक्वल्स टू डी बाई टी। तो जो स्पीड कैसे निकालते हैं, आप कोई दूरी चलते हैं और वो जितने समय में चलते हैं उसको डिवाइड दे देते हैं तो आपको एक चाल निकल के आ जाती है। अब जो चाल का एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और समटाइम्स पेपर में ऐसा लिखा रहता है मीटर सेकेंड -1 पावर -1। तो ये क्यों लिखा गया है, देखिए दोस्तों कि मीटर पर सेकेंड, अब जब मीटर को मुझे ऊपर लाना है, ठीक है यहाँ पे है मीटर पर सेकेंड, अब इसको मुझे ऊपर लाना है और ये प्रति या बटे का साइन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें -1 लगा दूँगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी पावर 1 होती है और जब ऊपर आता है तो वो माइनस में चला आता है। देखिए चाल की जो विमा होती है, ठीक है, जो चाल की विमा जो होगी MLT फॉर्म में होगा, LT-1 होता है। ठीक है, क्या होगा, LT-1। और चाल क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल में दिशा जो है वो निर्धारित नहीं है, सिर्फ इसमें परिमाण दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है, परिमाण, डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब देखिए वेग, वेग क्या होता है, वेग और चाल दोनों ही सेम होता है, बस वेग में डिफरेंस ये होता है कि वेग में आपको दिशा दे दी जाती है। देखिए अगर आप वेग का भी बोलेंगे तो वो भी SD/T ही होता है। ठीक है, लेकिन वेग कब नाम दे दिया है हमने, जब हमारे पास दिशा जो है वो फिक्स है, यहाँ पे हमारी दिशा फिक्स है, तो विस्थापन बटे समय जो हो जाएगा वही क्या कहलाएगा, वेग। और वेग की विमा, तो इसका MLT फॉर्म भी जो होगा वो भी सेम होगा, LT-1 और ब्रैकेट यू इस तरह बंद कर दीजिए तो आपको आ जाएगा। वेग का ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और वेग एक क्या होगी, सदिश राशि। अब सदिश क्यों होगी, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है दोस्तों, जिसमें डायरेक्शन होता है वो सदिश राशि कहलाती है, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है वह अदिश राशि कहलाती है। अब देख लीजिए त्वरण क्या होगा, किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए आप किसी वेग से आपके घर जा रहे हो, तो आपके शुरुआत में जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया तो आपने जैसे थोड़ी दूर गए तो आपका वेग है मान लो कि 10 किलोमीटर पर आर, फिर बढ़ गया 20 किलोमीटर पर आर, फिर हो गया 30 किलोमीटर, फिर आया 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली आपके वेग में परिवर्तन हो जा रहा है, तो इस जो वेग में परिवर्तन हुआ है उसका नाम त्वरण है। उसका हमें एक नाम तो रखना पड़ेगा ना, तो हमने एक नाम रख दिया, उसको नाम बोला है त्वरण, या एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए एक्सेलरेशन होता है। तो ये होता क्या है, बेसिकली वेग में परिवर्तन बटे समय करेंगे तो आपको त्वरण मिल जाएगा, या फिर अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग वी होता है, माइनस प्रारंभिक वेग यू होता है, और टी से जब डिवाइड करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब जो इसका मात्रक होता है वो भी क्या होता है, मीटर सेकंड सेकेंड -2 होगा। और ए की जो विमा होती है, एक्सेलरेशन की जो विमा होती है, LT-2 होती है। और ए एक क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ए फॉर एक्सेलरेशन। तो ए क्या है आपके लिए, सदिश राशि है। ठीक है,
अब जो हमको समझने वाली जो बात है, अगला जो नेक्स्ट फॉर्मूला जो होगा दोस्तों, वो होगा गति के समीकरण। और ये आपको फिजिक्स में, अगर आप फिजिक्स का कोई भी पेपर दे रहे हो, या आप चाहे इंजीनियरिंग का पेपर दे रहे हो, या SSC या व्यापम, चाहे जो भी, चाहे कोई भी स्टेट का एक आप एग्ज़ाम दे रहे हो, पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, आपको देखिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल आना है। अब ट्रेंड सा बन चुका है, पहले थ्योरी आती थी लेकिन अब न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया। आज अभी आपने देखा होगा कि रेलवे के पेपर में, हर पेपर में कम से कम चार से पाँच न्यूमेरिकल, और कई जगह तो 10 न्यूमेरिकल भी आए हैं। तो आप न्यूमेरिकल को लाइटली नहीं ले सकते। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो गति के समीकरण पे बेस्ड होंगे। तो जब गति के समीकरण पे है तो देख ले, हमें इनको देख लेना है। जब वस्तु समतल सतह पर गतिमान हो क्षैतिज गमन में, ठीक है, तो देखिए गति का जो प्रथम समीकरण है वो है v बराबर से u प्लस at। v अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, u प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलेरेशन और t टाइम है। फिर s जो है दूसरा समीकरण होता है, s बराबर से ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जो s है वो आपका होगा दूरी या विस्थापन, ठीक है। और नेक्स्ट जो तृतीय समीकरण जो कहलाता है वो v स्क्वायर बराबर से u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको टर्म्स तो बता दिए हैं सारे, कि s को हम दूरी या विस्थापन कहते हैं, u प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है, और a जो होता है वो त्वरण होता है, और t जो होता है समय होता है। लेकिन ये तो गति के समीकरण, जैसे मान लो आप रोड पे चल रहे हो, तो आप रोड पे कोई वस्तु चल रही है, आप चल रहे हो, या कुछ ऐसा हो रहा है, तो ऐसे में ये निकाल सकते हो। लेकिन देखिए वेग तो ऊपर और नीचे भी हो सकता है। अगर आप एक पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं, या पत्थर कहीं किसी बिल्डिंग से आप किसी चीज़ को नीचे फेंक रहे हैं, तो दोनों तरीक़ों से वेग तो निकलेगा, लेकिन क्या होता है वहाँ पे आपकी दूरी नहीं आएगी, वहाँ पे फिर आपका हाइट डिफरेंस आता है, ठीक है। और दो टर्म, एक चीज़ होता है कि जब आप समतल जगह पे चलते हैं तो वहाँ पे एक्सेलरेशन लगता है, लेकिन जब चीज़ को हम ऊपर या नीचे से फेंकते हैं तो क्या होता है कि पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण होता है, वो अपनी तरफ खींचता है। तो जब हम पृथ्वी ऊपर फेंकते हैं तो जी का जो मान होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ऊपर फेंकते हैं तो जी का मान नेगेटिव होगा, और नीचे, ऊपर से नीचे फेंकने में जी का मान जो होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात है, याद रखिए। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो चेंज हो जाएगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी में चेंज हो जाता है, और जो एच विस्थापन या दूरी है वो एच में चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक बात और याद रख लीजिए कि जी का जो मान होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण, हिंदी में कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है दोस्तों। अब अगर वस्तु कहीं हम ऊपर से किसी चीज़ पत्थर ऊपर फेंका, तो यहाँ पे देखिए जी का मान नेगेटिव हो गया, मतलब इक्वेशन चेंज। वी बराबर से यू माइनस जी टी, और यहाँ पे देखिए एच बराबर से यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और वी स्क्वायर बराबर से यू माइनस टू जी एच, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर वस्तु नीचे की तरफ आ रही हो तो फिर जहाँ पे हमने जी को माइनस लिया था यहाँ पे हम प्लस ले लेंगे, तो फिर से ये समीकरण बन गया वी बराबर से यू प्लस जी टी। सेकेंड है वी स्क्वायर बराबर से यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, और एच बराबर से यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप सिर्फ गति के समीकरण याद रख लीजिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि जब वस्तु ऊपर गिरेगी तो आपका देखिए ए चेंज हो जाएगा जी में, और एस चेंज हो जाएगा एच में। ऊपर वस्तु जाए तो जी को माइनस कर लीजिए, और नीचे वस्तु आए तो जी को पॉजिटिव में रख दीजिए। बस इतने काम आपको करना है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, और ये मैंने थोड़ा अच्छे न्यूमेरिकल लिए हैं दोस्तों। तो आपको क्या होगा कि अब जो पेपर होंगे उसका लेवल अगर अच्छा रहता है तब भी आपको पेपर में एक नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर पेपर सरल भी आता है तो आपको इतने बेसिक मैंने इसमें समझा दूंगा मैं आपको, कि आप दोनों ही तरीके से न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, कोई पिंड वी वेग से ऊपर फेंका जाता है, एच ऊंचाई पर जाने के बाद पुनः पृथ्वी पर लौट आता है, पिंड द्वारा तय दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। पिंड द्वारा तय दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो वो वापस जमीन पे ही आएगी। तो मान लो h दूरी पे फेंकी, ठीक है, तो वापस आया तो दूरी कितनी हो गई हमारी 2h। एक बार ऊपर फेंका ऐसा तो h, वापस आया तो टोटल दूरी कितनी हो गई 2h। अब देखिए विस्थापन का क्या मतलब होता है, अभी हमने बात की थी विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है। दो बिंदु है उसके मध्य की न्यूनतम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं विस्थापन, तो ये विस्थापन हो गया। लेकिन अगर कोई चीज़ घूम के वहीं वापस आ जाए तो उस समय में जो विस्थापन होता है वो जीरो हो जाता है,
या कोई चीज़ ऊपर जाए और नीचे वापस आ जाए तब भी विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में भी देखिए जो विस्थापन है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपने पत्थर फेंका वो वापस पृथ्वी पर उसी जगह पर आया, तो जब उसी जगह पर उसने लैंड किया है तो वो क्या हो गया, विस्थापन आपका जीरो। तो आप देखिए कैसे निकालोगे, अभी आपको इसमें पूछा अनुपात दूरी और विस्थापन का, तो दूरी 2h है और विस्थापन शून्य है। अब किसी को भी भाग अब जब देते हो शून्य से तो आंसर आता है अनंत, ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को, देखिए किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर t सेकंड समय लगता है, उसी वस्तु को 120 सेकंड गिराने पर समय लगेगा, ठीक है, 30 मीटर से गिराने पर t सेकंड लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने पर समय लगेगा। तो देखिए पहली वस्तु को अगर आप गिरा रहे हो तो हाइट होगा कुछ ना कुछ, तो हाइट का फॉर्मूला हमने लिख दिया है h1 बराबर से पहली वस्तु का ut प्लस हाफ, ठीक है, हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे gt होना चाहिए था तो at लिख दिया गया है, gt स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब h1 अपॉन h2 ये दो टर्म तो आपस में कैंसिल हो गए, इनका कोई औचित्य नहीं बचता, बस बचा क्या है t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको पता है स्क्वायर हटाते हैं तो आपको अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो हमने लगा दिया h1 अपॉन h2, तो t1 अपॉन t2 बराबर से हो गया अंडर रूट में 30/130, तो t1 अपॉन t2 इसको काट दिए तो 1/4 मिला, और जो t की जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 2t, तो आंसर हो जाएगा इसका 2t, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वायुयान, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, एक वायुयान गमन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है, यदि वायुयान अपने विराम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए गमन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो कितनी गमन पथ की लंबाई पूछा है, तो देखिए इनिशियल आपकी जो वेलोसिटी है वो तो जी है, फाइनल कितने से उड़ता है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक्सेलेरेशन दिया है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको हाइट या सॉरी आपको एक दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये s बराबर से ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे t नहीं है, तो t कैसे निकाल सकते हैं, हम ये वाला फार्मूला लगा के v प्लस u प्लस at, तो u क्या है 0, t कितना है 10 गुणा t, v है 100, तो t इधर आ जाएगा तो 100/10, तो कितना आ जाएगा आपका t कितने सेकंड आ गए, 10 सेकंड आ गए, बस आपने इसको यहाँ पुट कर दिया, u 0 है, किसी के भी गुणा 0 से करो 0 ही मिलता है, हाफ a का मान 10 है, t 10 का स्क्वायर है, तो s जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 500 मीटर। होपफुली आपको समझ आया, तो जो रनवे की लंबाई है 500 मीटर के लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो क्या h निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल है, 3 इक्वेशन में बस h निकालना है, तो क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, t है प्लस हाफ 9.8 मान रख दीजिए जी का, और टाइम दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो ये जो आपकी राशि आ जाएगी वो कट पिट के आएगी 32 × 9.8, तो h की वैल्यू आ जाएगी 313.6, ठीक है, मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंची एक इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी, तो आपको पता होना चाहिए कितना, देखिए हमको बताना है कि कितना समय लेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, h कितना है 9.6 मीटर पर सेकंड, और g कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये तो ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, अगर गेंद को जब ऊंचाई से उसने सीधा फेंका है तो कुछ ना कुछ उसने दूरी तय की है, और जब उसका पूरा वेग खत्म हो गया है तो वहाँ से उसने क्या किया है, नीचे गिरना चालू किया है, तो उस स्थिति में u का मान 0 हो गया है, ठीक है। अब u का मान 0 हो गया है, आप कैलकुलेट करेंगे तो डेटा सही आएगा, h बराबर से ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो u h का मान तो 19.6 है और u 0 हो गया है, और प्लस हाफ 9.8 × t स्क्वायर, तो यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, कितनी निकल गई 4, और t का अंडर रूट लगाएंगे तो हमको पता लग गया t कितना आ गया हमारे पास, जो समय होगा वो हो जाएगा हमारा 2 सेकेंड,
ठीक है दोस्तों, तो आपको देखिए थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा इन सवालों में। अगर आप बड़े पेपर देने जाते हैं तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है सिंपल तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए कि कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलती तो नहीं कर रहे हैं, और ऐसी गलती बार बार कर ही देते हैं स्टूडेंट, और उसके वजह से आपको एक नंबर से खामियाजा भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया, धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो ठीक है, अब आपको पता है कि अगर किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है तो जितने समय में ऊपर जाती है और फिर जितने समय में नीचे आती है, तो दोनों का जो टाइम होता है वो सेम होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो जो देखिए फिर से क्या होगा, वी, अब यहाँ पर क्या होगा, वी बराबर से यू, अब प्लस जी टी था तो हमको ए टी था तो जी में कन्वर्ट हो गया, और अब कोई चीज़ नीचे आ रही है तो हमने क्या लगाया, माइनस। अब वी क्या है आपके पास, शून्य है, फाइनल वेलोसिटी कुछ नहीं है, यू माइनस जी टी, अब यू बराबर से जी टी आ गया, तो टी कैसे निकालेंगे, यू अपॉन में जी, तो यू का मान तो 9.8 दिया ही गया है और जी कितना होता है, 9.8 होता है, तो एक सेकेंड आया। ठीक है, अब टोटल समय कितना लगा होगा, तो जितना समय लगता है तो एक समय इसके लिए लगा है तो एक समय उसके लिए, मतलब टोटल आंसर आया हमारा 2 सेकेंड का। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकेंड में, ठीक है, पृथ्वी पर पहुँचता है, मीनार की ऊँचाई लगभग कितनी होगी, और जी का मान इन्होंने दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जी का मान वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए जो एग्जामिनर है उसको 10 कर देता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, फिर से हमें पता है हाइट लगाना है, तो हाइट का फॉर्मूला एच यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यू इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, इंटू 4 करेंगे, और किसी का भी गुणा हम शून्य में करते हैं आंसर शून्य प्राप्त होगा, इसलिए ये टर्म पूरी की पूरी शून्य हो जाएगी। हाफ इंटू जी का मान 10 दिया है, गुणा में लगा गुणा, और टाइम दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ 2 से काटिए तो ये 5 बार कटेगा, तो 5 गुणे में 16 आंसर आएगा 80। तो जो आपकी जो मीनार है वो मीनार 80 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, जो कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा, कितने समय बाद दुगना हो जाएगा। तो v बराबर से u प्लस ए टी, फिर से गति का हमने प्रथम समीकरण लगाया, तो हमको वेग कितना चाहिए दुगना, तो हमने 2v बराबर से यहाँ पे लिख दिया u प्लस ए टी, तो 2 गुणा v कितना है 100, u का मान दिया है प्रारंभिक वेग जो दिया है, u प्रारंभिक वेग होता है वो होता है 100 प्लस 10 गुणे में गुणा t कर दिया, समय के साथ गुणा किया तो 200 बराबर से 100 प्लस 10 t, तो यहाँ पे जो t की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इधर आ जाएगा 100 और इधर जाएगा तो ये जाएगा 100 बटे में 10, तो आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, जो आपका t होगा वो 10 सेकेंड, तो वेग कितने सेकेंड में दुगुना होगा, 10 सेकेंड में। ठीक है, तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ आप ध्यान रखिए गति के समीकरण पे, और साइन का ऊपर जाए तो माइनस जी हो जाएगा और नीचे आए तो जी पॉजिटिव होता है और एस रिप्लेस होता है एच में, जो कि आपको हाइट देगा, और कुछ नहीं है इस न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, फिर से न्यूटन का गति का प्रथम नियम, और जो प्रथम नियम है वो यू प्लस जी टी है, तो u का मान है 0 प्लस 9.8 × 3 कर दीजिए, तो v जो आएगा वो 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट्स का विशेष ध्यान दीजिए, जो वेग आएगा वो हमेशा मीटर पर सेकेंड में आता है, एक्सेलरेशन आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो ये 2 बातों का बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको आंसर सेम मिला देंगे पेपर में और सारे के सारे यहाँ पे। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो हमारा है v बराबर से 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, गेंद का प्रारंभिक वेग है। ठीक है, तो जो भी प्रारंभिक वेग है, तो देखिए क्या क्या करना है आपको, फिर से हम लगाते हैं जो गति का है द्वितीय समीकरण, वी स्क्वायर बराबर से यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो अंतिम वेग
तो हमारे पास शून्य है क्योंकि पूछा प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा यू स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा 2h, ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू बराबर से अब यहाँ पे आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट 2gh हो जाएगा। अब 2 इंटू जी का मान है होगा आपके पास 10 दिया है, ठीक है, और h है आपका 5। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो u आएगा प्रारंभिक वेग आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, गति के नियम याद रखिए, गति के समीकरण होते हैं 3, और जब चीज़ें ऊपर से नीचे से गिरती हैं या ऊपर से हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो जो जी हो ए जो चेंज होता है जी में, ए चेंज हो जाएगा आपका जी में और एस चेंज हो जाएगा एच में। और बस अगर ऊपर फेंका है तो माइनस जी रखिए और पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो पॉजिटिव जी कर दीजिए, बाकी सब कुछ सेम होगा। और बस यूनिट्स का ध्यान दीजिए कि वेग मीटर पर सेकंड में आता है और एक्सेलरेशन आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो ये यूनिट से बहुत बार गलतियाँ करवा देता है एग्जामिनर, और आप हम जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, ठीक है दोस्तों। तो ये थे क्वेश्चन, ये इसका पार्ट फर्स्ट था, आगे भी इसके मैं आपको अलग से वीडियो देते रहूँगा जो और भी क्वेश्चंस होंगे। अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।